बिहार में बाढ़ में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 130 हो गई, लेकिन पड़ोसी राज्य असम में स्थिति में काफी सुधार हुआ, जहां सभी प्रमुख नदियों में जल स्तर घटने लगा और पिछले 24 घंटों में कहीं से भी कोई ताजा हताहत नहीं हुआ। जल प्रलय की वर्तमान लहर में असम में 86 हताहत हुए। दोनों पूर्वी राज्यों के 13 जिले बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि बिहार में 88.46 लाख लोग 13 जिलों में प्रभावित हुए हैं, जो इस महीने की शुरुआत में नेपाली के जलगामी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण हुआ था। लगातार 3 दिनों तक मृत्यु का आंकड़ा 127 पर अपरिवर्तित रहने के बाद मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 130 हो गई। दरभंगा से 2 लोगों के हताहत होने की सूचना है, जबकि 1 की मौत सुपौल में हुई। 37 हताहतों के साथ सीतामढ़ी बाढ़ के कारण हताहतों की सूची में सबसे ऊपर, उसके बाद मधुबनी 30, दरभंगा 14, अररिया 12, शहर 10, पूर्णिया 9, किशनगंज 7, मुजफ्फरपुर और सुपौल 4, पूर्वी चंपारण 2, सहरसा 1। विभाग ने कहा कि कटिहार और पश्चिम चंपारण के 2 जिलों में अब तक कोई मौत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के जरिए बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। 442 सामुदायिक रसोई घरों में प्रभावित आबादी के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है और 133 नावों से लैस 876 कर्मियों द्वारा वितरित किया जाता है, जिन्हें NDRF की 19 टीमों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो इसकी 9वीं बटालियन के मुख्यालय से भेजी जाती है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बिहार में 9 स्थानों पर 5 नदियां बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, अधवारा और खिरोई अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के सभी नदियों के जलगामी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA ने कहा कि 13 जिलों के 864 गांव अब बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले हैं धेमाजी, दरांग, बारपेटा, नलबरी, चिरांग, गोलपारा, कामरूप, मोरीगांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट और कछार। असम के मौसम विभाग ने बताया कि कुल मिलाकर 417 राहत शिविर 30,925 साथियों के साथ चल रहे हैं। हालांकि जल स्तर में कमी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी खतरे के स्तर से ऊपर बहने वाली नदियां जोरहाट में, नेमाती घाट में, ब्रह्मपुत्र और गोली घाट में, नुमालीगढ़ में, धनसीरी और कारिमगंज में कुशीरा है। मंगलवार को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। दुलियाजन नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड और IS ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन ने भी राहत कोष में क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपए के चेक दिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।